हाय सर, हाय मैम, हाय, नमस्ते मैम। नमस्ते, क्या नाम है आप? सर मेरा नाम साउंड रैन एक्टर हुआ। कहाँ से आए हुआ? सर मैं बिहार से आया हूँ सर, बहुत बहुत दूर से आया हूँ सर। मैं आप लोग के बीच आया हूँ मैम, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर क्या बताएं सर, मैं किस्मत के मारा हूँ सर, और बताने में मुझे बहुत शर्म आ रही है सर। फिर सोच रहा हूँ सारेगामा पा के मंच पर भागशाली आदमी लकी आदमी आ सकता है सर। मुझे यहाँ पर आने पर में रातों दिन मेहनत कर कर सर मैं यहाँ पर आया हूँ सर, और मुझे बताने में बहुत शर्म आ रही है सर। सर फिर मैं सोच रहा हूँ, बता दे रहा हूँ सर, एक लड़की से मुझे प्यार हो गया और मैं बहुत उससे प्यार करने लगा, इतना प्यार करने लगा सर, रातों दिन मैं उसे ख्याल में सर डूब गया सर। वह लड़की भी मुझसे प्यार करने लगी सर, वह लड़की मुझसे प्यार करने लगी और मैं सर कुछ दिनों के लिए सर बाहर चला गया। जब मैं बाहर गया तो वह लड़की किसी और से प्यार करने लगी सर। जब मैं आया अचानक तो मैंने उसे देखा कि ये किसी के से बात कर रही है, किसी की बाहों में वह खेल रही है। तो सर मुझे देखकर बहुत बहुत सर मेरा सर दिल में सर आग लग गया सर। मैं वहाँ से चला गया सर, और जब मैं वहाँ से चला तो मैं आया और खूब सर शराब पिया और इतना पीने लगा कि मैं क्या बताया सर, अपने आप को सर मैं खो बैठा सर। फिर जो है कि हमारा चार रोज के बाद सर मुझे नशा ख़त्म हुआ और होश आया सर। फिर मैंने सोचा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो खुद अपने आप बर्बाद हो रहा हूँ, वो तो और अच्छा कर रही है, वो तो और खुश हो रही होगी लड़की। तो मैंने सर धीरे धीरे कर 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 सर मैं अपने होश आया, हिम्मत बाने और अपने आप पर विश्वास रखे सर। तो मैंने सर एक गाना जो बनाया था, और वह गाना सर मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों के बीच में आऊँ और इंडियन आइडल में मैं गाना गाऊँ। तो सर मैं जो आप लोगों के बीच गाना लेकर आया हूँ और गाना चाहता हूँ सर, और यह गाना सर इसलिए सर बनाया हूँ कि सर मेरा दिल में बहुत बहुत सर आग लगा हुआ था सर, और मुझे अपने आप सर कुछ नहीं भा रहा था, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं सर। मैं चार रोज से मैं खाना नहीं खाया सर। तो मैं ये गाना बनाया हूं क्योंकि कोई लड़की किसी को छोड़ता है सर तो उसका दिल जानता है कि क्या हो गुजरा है उस पर सर। सर समुंदर की गहराई नापा जा सकता है सर, लेकिन सर किसी लड़की का दिल का गहराई नहीं नापा जा सकता है सर। जो कर रही हो वो मेहनत का काम है, वो ईमानदारी का काम है, वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। एक इतने कम उम्र की लड़की में इतना हिम्मत है कि आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी कि आपने, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच। थैंक यू सर, थैंक यू ना, और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, पक्का वादा है अगर आप डिजर्व कर। मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर बहुत बहुत इमोशनल गाना है सर, पूरा हिंदुस्तान रोएगा सर, आप लोग भी रोइएगा सर, प्लीज आप लोग मेरे गाना को सर सिलेक्ट कीजिए सर। ब्यूटीफुल सॉन्ग, चलिए जरूर सुनते हैं। हम्म
किसी की याद सताए, शराब पी लेना है, शराब पी लेना, किसी की याद सताए, शराब पी लेना है, शराब पी लेना। कोई ख्याल रुलाए, कोई ख्याल रुलाए, शराब पी लेना, शराब पी लेना। शहर के बादल का एहतराम करो, हर एक शहर के बादल का एहतराम करो, हर एक शहर का बादल का एहतराम करो, कहीं पे भी जाए शराब पी लेना, कोई ख्याल रुलाए, कोई ख्याल रुलाए, शराब पी लेना। जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल न कर, जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल न कर, जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल न कर, मगर शराब पिलाए, मगर शराब पिलाए, शराब पी लेना, शराब पी लेना। कोई ख्याल रुलाए, ख्याल रुलाए, शराब पी लेना, शराब पी। किसी की याद सताए, शराब पी लेना, शराब पी लेना, किसी की याद सताए, शराब पी लेना, शराब पी लेना। कोई ख्याल रुलाए, कोई ख्याल रुलाए, शराब पी लेना। हर एक शहर के बादल
तो राम करो के बादल का एह तो राम करो हरेक शहर का बादल का एह तो राम करो घटा कहीं पे भी जाए घटा कहीं पे भी जाए शराब पी लेना कोई ख्याल रुलाए कोई ख्याल रुलाए शराब पी लेना शराब पी लेना जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल न दे जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल न कर जो जहर दे तेरा दुश्मन उसे कबूल न कर मगर शराब पिलाए मगर शराब पिलाए शराब पी लेना शराब पी लेना कोई ख्याल रुलाए ख्याल रुलाए शराब पी लेना शराब पी लेना शराब पी लेना Thank you very much. Thank you very much. Thank you. ये संगीत कहाँ सीखा कैसे सीखा कौन सी गलियों में क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है क्या सादगी है क्या मासूमियत है कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी वेरी गुड कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ इतना टैलेंट देखते हैं हम और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ आई डोंट थिंक आई एम केपेबल More updates. Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy.